ऐसा ना हो कि इतना मेहनत से छत को भिगाए हैं और बारिश हो जाए, भागना पड़े नीचे। लाया था मैं दूध लेने के लिए, इधर देख रहा हूँ कि एक ट्रक पलटा है। ये रहा, पैक करके रख दिया है। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और मैं अभी जा रहा हूँ छत पे, इसलिए नीचे देख रहा था यार, वरना सीढ़ी पे गिर जाऊँगा। आई नो कि बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। वैसे अभी ये ब्लॉग ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे स्टार्ट हो रहा है और मैं कर क्या रहा था सो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लो, आई होप कि दिख रहा होगा, उधर सूखा हुआ है, इधर भीगा हुआ है। गर्मी के दिन में हम लोग छत ही पे सोते हैं क्योंकि कूलर एसी तो है नहीं या पंखा किसी काम का नहीं है। नीचे बहुत ही एक्सेसिव हीट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो इस कारण से हम लोग छत पे सोते हैं। उसी का कुछ जुगाड़ कर रहे थे, पानी देकर भिगा दिए हैं कि जो छत है वो गीला रहे तो थोड़ा ठंडा रहेगा। वैसे गर्म में सोने का मतलब कुछ तो ये नुकसान करेगा शरीर को, इसलिए उसको पानी से भिगो देते हैं। और अभी छत पे भिगो रहे थे छत को, तो मौसम भी आज कुछ चेंज लग रहा, बादल भी थोड़े बहुत हैं, तो ऐसा ना हो कि इतना मेहनत से छत को भिगाए हैं और बारिश हो जाए, भागना पड़े नीचे। वैसे तो प्लानिंग है अभी सोने का, पर रात में कैसा होता है सो आप लोगों को दिखाएंगे। अगर जो बारिश हुआ रात में तब तो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, वैसे भी अभी पानी ही फिरा हुआ है, बाय द वे जोक था। तो देखते हैं कैसा प्लानिंग होता है सो। वैसे अभी ठंडी ठंडी हवा है तो बह रही है, अभी तो छत ही पे रेस्ट करेंगे, रात को रात का देखा जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। वैसे छत पे देख लो, बिस्तर रेडी हो गया है एंड मौसम भी अभी तो क्लियर दिख रहा है यार। आई होप कि बारिश ना हो, वरना तो भागना पड़ेगा बिस्तर लेकर नीचे। ये रहा सुबह सुबह ही हम लोग का बेड, और अभी बारिश तो रात में हुआ नहीं था, खैर बच गया, मेहनत हमारा वेस्ट नहीं गया है। और ये देख लो, मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं है, देख रहे हो। वो देख लो, आया था मैं दूध लेने के लिए, इधर देख रहा हूँ कि एक ट्रक पलटा है। ट्रक है ये, हाइवा है जिस पे बालू और ये सब आता है, सो क्रेन लगा है, देख लो। ये रोड से अच्छा दूर है ये, ये देखो लो। मेन चौराहा पे ही पलटा है। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। छत पर सोने का यही डिमेरिट है यार कि हार्डली आप 7 से 8 के बीच में आपको हर हाल में उठना ही उठना। और देख लो, सुबह सुबह उठा हूँ और मम्मी भेज दिया दूध लाने के लिए। रोड पे निकला तो देखा क्या कि चौराहा पे एक हाइवा ट्रक पलटा हुआ है, वो गंगा वालू कहते हैं हम लोग उसको, वही लेकर जा रहा था। ये रहा हमारा पीसी वाला टेबल, पीसी पैक कर दिया है। ये रहा, पैक करके रख दिया है, वो कार्टन में है मॉनिटर, ये है UPS, और ये रहा CPU। और हमारा वाला ये जो वो है जो मेरे को काम करने के लिए जो दिया था, जिसका मैं काम करता था उसका था, तो वर्क फ्रॉम होम नहीं, वहाँ ऑफिस से होगा। और ये रहा हमारा PC, हमारा छोटा है, खोल खाल कर अभी रखे हैं, मेरा ख़राब हो चुका है, उसे मैं ठीक करवाऊंगा कुछ दिनों में। और मेरे को अब जहाँ से काम करना है वो प्रॉपर ऑफिस तो नहीं है, फ्लैट है, तो बाकी वहाँ पे 2-3 लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए मेरे को भी वहाँ बुलाया गया ताकि फ्री माइंड होकर काम किया जा सके। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को वही फ्लैट का टूर दिखाऊँगा, कैसा क्या है वहाँ का सेटअप, कैसे काम करते हैं, सो वो आएगा। और वो ट्रक जो पलटा हुआ दिखाया उसके पीछे रीजन वही है, वहाँ पे मोर है, तो मे भी वहाँ सकरा रोड भी है, बिल्कुल नैरो टाइप का और बढ़िया रोड है, नहीं दिखाई है आपको वीडियो में, तो मोर ने वक्त ही कुछ मिस्टेक हुआ होगा ड्राइवर के थ्रू, तो वो बेचारा पलटी मारा, वो रोड के किनारे नाला है उसमें जाकर वो पलट गया है हाइवा जो ट्रक था वो। और वहाँ पे बात करने से तो ऐसा पता चला कि वो जो ड्राइवर चला रहा था उसी का मिस्टेक से कुछ हुआ होगा, क्योंकि अंधेरा में भाई सबको जानते ही वो प्रॉब्लम होता ही है हर किसी को। वहाँ पर बात करने से पता ये चला है कि ड्राइवर शायद से बच गया है, सही सलामत है। अब पता नहीं एग्जैक्टली पैर हाँ टूटा या क्या हुआ, कुछ तो चोट जरूर आया होगा, पर हाँ जान बच गया है। और देखो कब तक नहीं, अब तो शायद निकल गया होगा, वैसे तो अभी 2-3 बज रहे हैं, तो अब तो शायद निकल गया होगा, मैं उधर अभी गया नहीं हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में यही था, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वहाँ का जो कैसे काम करते हैं, कहाँ गए हैं सो उसका आएगा। तो बने रहना ब्लॉग में, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।